मैंने पहले इसके बारे में काफ़ी बार बात की है कि कैसे एक त्यौहार की वजह से एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली गणपति होता है तो पूरा शहर रुक जाता है, ट्रैफिक होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है और लोग पटाखे छोड़ते हैं, और सबसे जो बुरा मुझे लगता है वो वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि POP के गणपति बनते हैं या ऐसे गणपति बनते हैं जो पानी में विसर्जन के बाद कभी वो मेल्ट नहीं होते, वो रिसाइकल नहीं होते। तो इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ ट्री गणेशा के ये वर्कशॉप में, जहाँ इन लोगों ने काफ़ी दिन से ऐसे गणपति बनाए जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। इनको आप विसर्जित करेंगे तो ये आपके घर में ही रहेंगे, और इनको नॉर्मली वाटर करेंगे तो इस तरह प्लांट उगेंगे। आप देखिए ये भिंडी का पौधा है, लेडी फिंगर जिसे कहते हैं, और कुछ भी उगा सकते हैं आप घर में। तो ये एक अच्छा है क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि गणपति विसर्जन के बाद भी घर में आसपास ही है। और मैं जैसे बीच के बराबर में रहती हूँ, तो विसर्जन के बाद अगले दिन मतलब गणपति का कभी हाथ, कभी पाँव, कभी सूंड, दांत, सब कुछ ऐसे बीच पे पड़ा होता है कचरे के साथ, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और मुझे लगता है कि जो हमारी मरीन लाइफ है, जो मछलियाँ हैं, उन पे कितना पोल्यूशन आता है, इसमें टॉक्सिक पेंट यूज़ होता है, POP यूज़ होता है। सो भगवान, पानी को भी भगवान मानते हैं, वरुण भगवान, तो हम एक भगवान के लिए दूसरे भगवान को प्रदूषित नहीं करना चाहिए।